सन 2024 में कन्या राशि का वार्षिक भविष्य की अगर बात करें तो यह वर्ष आपके लिए शारीरिक सुख और स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा। मौसमी बीमारियां, क्रोनिकल डिजीज से सावचेत रहें। हाइपरटेंशन, रक्तचाप, डायबिटीज आदि में सावधानी आवश्यक है। जीवन साथी का स्वास्थ्य जरूर गिरता हुआ नजर आएगा। शारीरिक व्यायाम, योग जैसी चीज़ों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। खान पान का पूरा ध्यान रखें, जंक फूड से बचें। 30 जून से 15 नवंबर के मध्य शनि वक्री होने के कारण किसी अप्रिय घटना की आशंका है। वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं, नियमित स्वास्थ्य का परीक्षण करवाते रहें और महामृत्युंजय मंत्र का नित्य नियमित रूप से जप करें। व्यापार व्यवसाय के मामले में इस वर्ष आप कड़ी मेहनत से अपनी गाड़ी को पटरी पे ले आएंगे, लेकिन मैनेजमेंट की आवश्यकता है। अपने ग्राहकों से संपर्क में रहें। नौकरी व्यवसाय में प्रतिद्वंदी आपके सामने बड़ा लक्ष्य रख देंगे जिसे आप प्राप्त कर लेंगे। अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। भूमि भवन की खरीद आप कर सकते हैं और खरीद के पूर्व कागजात की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। 30 जून से 15 नवंबर के मध्य शनि की वक्र गति के कारण आपका पैसा कहीं फंस सकता है। व्यापार में षड्यंत्र आपके साथ हो सकता है। कर्मचारियों पर पूरी नजर रखें और टैक्स चोरी से बचें। संपर्कों का लाभ मिलेगा। व्यापारिक भागदौड़ के बीच में कहीं ना कहीं आपको ये समझ आएगा कि आपका असली धन आपका परिवार है। आप परिवार को समय देंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य डावाडोल रहेगा। पति पत्नी दोनों एक दूसरे का भावनात्मक विचारों को समझकर आचरण करेंगे। भाइयों से संपत्ति के विवाद के कारण परेशानी हो सकती है। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी और संतान के करियर, विवाह, अध्ययन आदि समस्याओं से राहत मिलेगी। आप मुसीबत जला किसी रिश्तेदार की मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे, इस कारण आपकी आलोचना भी होगी, परंतु उस आलोचना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष आरंभ में बृहस्पति 8वें स्थान में है तो 1 मई तक विद्यार्थियों को कोई खास सफलता नहीं मिलेगी। मन में भटकाव रहेगा, तब तक हर कदम फूंक फूंक कर रखें। कॉलेज या स्कूल में एडमिशन, विषय से चयन संबंधी विषयों पर असमंजस बना रहेगा। 1 मई को गुरु के 9 भाव में आने से सब ठीक होगा और अध्ययन में प्रदर्शन आपका बेहतर बनेगा। बॉस व अधिकारी की फटकार सुननी पड़ सकती है। अगर आप तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। करियर व अध्ययन के साथ समझौता किसी भी कीमत पर नहीं करें। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से यह वर्ष उत्तम है। कभी कभार छठे शनि के कारण प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है और मर्यादित प्रेम संबंध से बचें। 30 जून से 15 नवंबर के मध्य शनि की वक्र गति के कारण प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं जिससे परिवार में तनाव रहेगा। मित्रों की संख्या बढ़ेगी। मित्र के कारण व्यापार में कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा। इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, भूमि भवन, वाहन आदि की खरीदारी भी हो सकती है। शनि 30 जून से 15 नवंबर के मध्य शनि छठे भाव में वक्री है तो इस समय आपको वाहन से संबंधित सावधानी रखनी चाहिए। संतान की सगाई, विवाह से संबंधित शुभ कार्य की रूपरेखा अप्रैल से सितंबर के मध्य बन सकती है। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, आवश्यक खर्चों को ही करें। इस साल कोई न कोई धनहानि की संभावना तो नहीं है, परंतु चंद्रमा वर्ष आरंभ में 12वें होने से खर्च की प्रबलता रहेगी। साथ ही आपका पैसा भी कहीं फंस सकता है, कहीं अटक सकता है। पैसे में लेन देन से पूर्व पूरी सावधानी रखें। किसी घनिष्ठ मित्र या रिश्तेदार से बिछोह की संभावना है। बच्चों के हाथ में वाहन नहीं दें, अन्यथा कोई अनहोनी हो सकती है। इस वर्ष गुरु वर्ष आरंभ में 8वें स्थान में तो वर्ष के पूर्वार्ध में की गई यात्रा थोड़ी कष्टप्रद रहेगी। उत्तरार्ध की यात्राएं फलवती होगी, सफलतादायक होगी और इस वर्ष धार्मिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। वर्ष की शुभता बढ़ाने के लिए ओम गम गणपति नमः मंत्र की 1 माला नित्य नियमित रूप से करें। तुलसी के पौधे को नित्य सींचे, जल दे। बुधवार को गाय को चारा खिलाएं और 4.25 रत्ती का ऑनेक्स बुद्ध यंत्र में जड़वाकर गले में धारण कर लें। हरे रंग का सुगंधित रुमाल पास में रखें। भोजन में अधिक से अधिक हरी सब्जियों का सेवन करें तथा हरी सब्जियों का दान भी करें। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। नमस्कार।